टेंसर बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, ठीक है। अब टेंसर क्या होता है, देखो टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी होती है, टेंसर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी विच हैज डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, इफ यू चेंज डायरेक्शन इट्स वैल्यू विल गेट चेंज, राइट। चलो अब इसको एग्जाम्पल क्या होगा, एक बार क्या हुआ, हम कजन्स में सर्प लगी, हम भाई बहन थे एक बार, और सर्प लगी। तुम लोग ये मुग्दर देखा है, मुग्दर ऐसा जो जिम में रहता है, ऐसा अखाड़े में रहता है, ऐसा मुग्दर बहुत भारी सा देवराज है, ऐसा मुग्दर रहता है भारी सा, अखाड़े में मिलता है, तुम लोग ने कहीं ना कहीं देखा होगा। और ओम नहीं है, ओम और प्रियंका ग्रुप में मिल जाएगा ओम का नंबर। तो बच्चों इसको ना 1,000 बार घुमाने की बात हुई, ठीक है। तीन लोग थे, मैं था, राजुल सर थे, और हमारा एक और भाई था, उसका नाम है राघव। तो सर लगी कि इसको कितनी बार घुमाना है, 1,000 टाइम्स। तो 1,000 टाइम्स घुमाने के सबसे पहले आया राजुल, उसने मुग्धर को 1,000 बार घुमाया इस तरह से, ऐसे लिया, देखना किस सेंस में घुमाया, मुग्धर को 1,000 बार इस पॉइंट से पकड़ के, यहां से पकड़ के इसके अबाउट ऐसा घुमाया पूरा गोल, समझ गए। जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क था, है ना। राघव ने भी इसी तरह से घुमाया ऐसा गोल, समझ गए ना, पूरा उठा के गोल घुमाया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ आया। अब राघव ने भी ऐसी घुमाया, कितनी बार घुमाया इन लोग ने, 1,000 बार, 1,000 टाइम। अब मेरी बारी आई, ठीक है, मैंने 1,000 बार घुमाया और बहुत कम समय में घुमाया, बहुत ही कम समय में, और मैं थका भी नहीं। बताओ ऐसा कैसे, बताओ ऐसा कैसे कि मैं थका भी नहीं, मैंने घुमा दिया 1,000 बार। इन दोनों ने घुमाया 1,000 बार और ये दोनों थक गए, लेकिन मैं नहीं थका। क्यों? क्योंकि मैंने, पता है, इसको ऐसे घुमा दिया बच्चों, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया जमीन पर रखे रखे, मैं 1,000 नहीं 2,000 बार घुमा दूंगा, लेकिन मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 उंगली से घुमा दूंगा। बात समझ में आई? हाँ, यस। तो बहुत कम एफर्ट लगे ना भाई, समझ रहे हो, ऐसे घुमाने में बिल्कुल एफर्ट नहीं लगेंगे, इस तरह से घुमाने में कोई दम थोड़ी लगेगी, कोई एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया में तुम लोग को रोटेशन में समझाऊंगा, फिलहाल बस ये समझ लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने में कितने एफर्ट्स की जरूरत है, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कम एफर्ट्स की जरूरत है, इसलिए यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम है, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम है, राइट, और इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया बहुत ज्यादा है ना। इस एक्सेस के अबाउट अगर इसको ऐसा घुमाना है मुग्धर को पूरा, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया बहुत ज्यादा है और बहुत डिफिकल्ट है घुमाना, मान गए बात। तो होपफुली तुम लोग को समझ में आ गए कि टेंसर क्या होता है। टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हर डायरेक्शन में अलग अलग होती है। अब कुछ टेंसर क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं, टेंसर क्वांटिटीज कौन कौन सी है जो हमें पता है। तो पहली टेंसर क्वांटिटी हो गई मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जो कि मैंने अभी तुम लोग को बताई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पहली टेंसर क्वांटिटी हो गई। दूसरी टेंसर क्वांटिटी हो गई स्ट्रेस, ओके, और तीसरी क्या टेंसर क्वांटिटी हो गई, एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों को अभी आप जानते नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोग को ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो, ये यूट्यूब में एक कमेंट आया था तो इसलिए मैंने ये आपको टेंसर समझाया, नहीं तो मैं इसको समझाता नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब समझाता हूँ। चलो, अब हमारी क्लास पहुंच रही थी वेक्टर एडिशन पे, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया था, हो गया वो क्वेश्चन या मुझे करके बताना है? सर, उसका √2a आएगा। √2a आंसर आया है आपका, ठीक है, देखता हूँ, मैं देखता हूँ उसका आंसर क्या था, गिव मी 1 मिनट। एक्सरसाइज 1,
रूट टू ए इज करेक्ट, रूट टू ए इज करेक्ट श्रुति। चलो अब एक और कठिन सा सवाल है मेरे पास जो इसी मेथड से होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर से होगा। देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। कर लिया क्या ये वाला, ये वाला कर लिया क्या? एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बच्चों लोगों ने डायग्राम भी दिया है, डायग्राम ऐसा दिया है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और इसको आर माना है, दिस इज आर, आर फॉर रिजल्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने तुमसे पूछा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, उन्होंने तुमसे ये एंगल पूछा। ठीक है, कैसे करोगे? ऑप्शन ऑप्शन ए है 120 डिग्री, ऑप्शन बी है 150 डिग्री, ऑप्शन सी है 135 डिग्री, ऑप्शन डी है नन। क्वेश्चन दिखाऊं फिर से? डिग्री, हाँ सर 150 डिग्री हो गया, इतनी जल्दी हो गया। चलो खैर, उन लोगों ने हमें दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज बी बाई टू, जो आर की वैल्यू है वो बी बाई टू के बराबर है। ठीक है, तो तुम लोग ने किस मेथड से किया मुझे बताओगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा हो जाएगा रिजल्टेंट, और यहाँ पे बी साइन थीटा हो जाएगा नीचे। नहीं, मैंने तो ये पूरा थीटा माना है ना, मैंने तो ये पूरा थीटा माना है, ये तो मैं अल्फा मानना पड़ेगा फिर, तो फिर वो हो जाएगा बी कॉस अल्फा और बी साइन अल्फा। ठीक है ठीक है, रुक जाए एक मिनट। हाँ, ऊपर हो जाएगा बी कॉस अल्फा, राइट, ऊपर हो जाएगा बी कॉस अल्फा। इज दिस करेक्ट देवराज? यस सर। और इस तरफ हो जाएगा बी साइन अल्फा, साइन अल्फा। हाँ, तो अब आगे क्या श्रुति? रिजल्टेंट b के हाफ दिया है, हाँ हाँ, तो उसको बी बाई टू कर देंगे, फिर उसको, हाँ, उसको r is equal to b cos alpha कर देंगे, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भी रख देंगे, बहुत बढ़िया। देखो b, हाँ, बहुत अल्फा 60 डिग्री, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो b cos alpha देखना तुम ऊपर गया है r के अलोंग, ठीक है, तो b cos alpha ही जाके रिजल्टेंट बनेगा, b cos alpha ही जाके रिजल्टेंट इसलिए बनेगा क्योंकि ए को निस्तेनाबूत कर देगा कौन? बी साइन अल्फा। ठीक है, इफ ए इज काउंटर्ड बाय बाय बी साइन अल्फा देन देन रिजल्टेंट मस्ट बी बी कॉस अल्फा। बचा ही क्या? अगर बी साइन अल्फा को ए ने काउंटर कर दिया तो बच्चों बचा ही क्या? बी कॉस अल्फा, और बी कॉस अल्फा क्या बन गया? बचा ही था बी कॉस अल्फा, तो बी कॉस अल्फा क्या बन गया? रिजल्टेंट। समझ में आई बात? तो बी कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? आर बाई टू, सॉरी बी बाई टू, बी कॉस अल्फा इज रिजल्टेंट, राइट, सॉरी बी बाई टू, एक्चुअली दिस इज रिजल्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिजल्टेंट इज इक्वल टू बी बाई टू, बराबर कर दिया, बी से बी कैंसिल, कॉस अल्फा आ गया 1 बाई टू,
तो अल्फा आ गया 60 डिग्री, बट मुझे नहीं पसंद ये मेथड। ये लो, ये बहुत ज्यादा ही अच्छी मेथड है, बहुत ज्यादा शॉर्टकट है, जो कि बिगनर लेवल पे कठिन है। तो अल्फा अगर 60 डिग्री आ गया, उसमें 90 डिग्री और जोड़ोगे तो थीटा आ जाएगा 150 डिग्री। समझ में आ? क्या तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई मेथड है? सर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा बी को अगर मतलब साइड ले आएंगे तो। नहीं देखो, एक तुम लोग के पास ये मेथड भी होगी, r = a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab cos थीटा। ये पता है कि नहीं पता? हां सर बताओ, r r बराबर क्या लिख सकता हूं देवराज? b / 2 का होल स्क्वायर। b / 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं और इधर से रूट गायब कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया है ना। तो फिर भी यहाँ पे अननोन दो हैं, यू वी नीड वन मोर इक्वेशन। तो क्या तुम लोग को ये याद है? ये याद है कि नहीं याद है? टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। याद है कि नहीं याद है ये तुम लोग को? याद है ना, जहां अल्फा क्या होता था, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए। याद आया कि नहीं आ रहा? तो अभी रिजल्टेंट ने ए के साथ क्या एंगल बनाया? देखो अभी रिजल्टेंट ने ए के साथ, ये रिजल्टेंट दिख रहा है ना तुम लोग को? चलो नया डायग्राम बना लेते हैं, नया डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में ए ये है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, ठीक है, और रिजल्टेंट ने ए के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है भाई। ओके तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। और 10 90 कितना होता है भाई? किसी को पता है 10 90 कितना होता है? 10 90 होता है इनफाइनाइट, याद रखो। और इनफाइनाइट मतलब 1/0, ठीक है। 10 90 इज इनफाइनाइट और इनफाइनाइट मींस 1/0। ओके तो नाउ लेट्स पुट वैल्यू इन द फॉर्मूला। फॉर्मूले में अल्फा की जगह क्या लिख दूं बच्चों? अल्फा की जगह क्या लिख दूं? 90। बोलो जल्दी, 90 डिग्री। और ए की जगह है, बी की जगह बी लिख देते हैं, तो हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, 10 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो थीटा दिख रहा होगा तुम्हें, बड़ा एंगल। तो 10 90 की जगह इनफाइनाइट लिख दूंगा, इनफाइनाइट की जगह 1/0 लिख दूंगा। तो जीरो को उधर ले जाता हूँ और ए प्लस बी कॉस थीटा को इधर ले जाता हूँ, ठीक है। 1/0 आ गया ना, ये समझ आया? अब देखना बी जीरो को कहाँ ले जाऊं, जीरो को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी साइन थीटा से, और ए प्लस बी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से। तो तुम्हें मिल गया ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? बोलो समझ आया यहाँ तक देवराज, श्रुति? यस यस। तो कॉस थीटा क्या आ गया बच्चों? कॉस थीटा क्या आ गया? माइनस ए बाई बी। तो बोलो सर क्यों सॉल्व कर रहे थे, क्यों पड़ गए थे इसके पीछे? क्योंकि अब मैं कॉस थीटा की वैल्यू ले जाऊंगा, कहां रख दूंगा? यहां इक्वेशन ए में, ठीक है। इक्वेशन ए में कॉस थीटा की वैल्यू रखना चाहता हूं, तो मैं इक्वेशन ए को लेके नीचे ले आता हूं। इक्वेशन ए को उठा के हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। यानी नीचे कैसे आएगा? हाँ आ रहा है, -√3/2। ये मैंने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी है। देखो इक्वेशन ए को नीचे ले आया मैं, इक्वेशन ए में, अब मैं इक्वेशन ए में बी कॉस थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या होगा, अच्छे से दूर रहना पड़ेगा थोड़ा, वो ठीक है भाई। हाँ बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह रख रहा हूँ माइनस ए बाय बी। चला हेल्प करने में मदद करना। तो बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो बी स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, एक काम करो बी स्क्वायर बाई 4 को उधर ले जाओ, और ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर तो माइनस a स्क्वायर जाके ए स्क्वायर बन जाएगा, और बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर बाई 4 घटाओगे तो 3b स्क्वायर बाई 4 यही आएगा ना। तो बच्चों तुम्हें मिल गया a बराबर √3/2b, मिल गया a बराबर √3/2b। बताओ इसकी वैल्यू कहाँ रखूं? ए इधर आया, बी इधर आया,
अरे इधर आके प्लस हो जाएगा देवराज, क्या कर रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, अच्छे से देख, माइनस है ना ये, तो हाँ माइनस ए स्क्वायर रहेगा, इधर आके प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करूं, श्रुति इसको कहाँ रखूं, ए बराबर रूट थ्री बाई टू बी को कहाँ रखूं, यहाँ, ए बराबर रूट थ्री बाई टू बी को यहाँ रख दे, ठीक है। तो ए बाई बी कितना निकाल के लाए तुम लोग, रूट थ्री बाई टू, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर माइनस ए बाई बी हुआ करता था, अब तुम लोग ए बाई बी की वैल्यू ले आए रूट थ्री बाई टू, कॉस थीटा माइनस रूट थ्री बाई टू कब होता है, जब थीटा 150 डिग्री होता है, ओके। याद रखो कॉस 150 डिग्री कितना होता है, माइनस रूट थ्री बाई टू, दिस इज नेक्स्ट मैथड, समझ आया। माना कि ये मैथड बड़ी है, कठिन है, लेंदी है, लेकिन तुम लोग को समझ आई कि नहीं, दोनों बच्चे बताना ईमानदारी से, यस सर, देवराज समझ आई ये मेथड, यस सर, हाँ ठीक है। चलो अब मेरे पास देखो कुछ आसान सवाल है, देखते तुम लोग इनको कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। अगला आसान सवाल ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर टू न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एज शोन, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। माइक ऑफ कर दे श्रुति, ये 100 न्यूटन है मान लो, और ये भी 100 न्यूटन है मान लो, और ये 120 डिग्री है, ठीक है, ये 120 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तुम कैसे करोगे, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस 2F1F2 cos थीटा, समझ आया कि नहीं, लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता, बोलो, पैरेलोग्राम लॉ ऑफ इक्विडिस्टेंस से A की जगह F1 रख दिया, B की जगह F2 रख दिया, बोलो लगा सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना, यस सर, ठीक है। तो आप F1 की जगह क्या लिख रहा हूं, F1 की जगह लिख रहा हूं 100 का स्क्वायर, F2 की जगह भी 100 का स्क्वायर, 2 × 100 इंटू 100 इंटू कॉस 120, कॉस 120 कितना होता है बच्चों, माइनस ऑफ -1/2, ठीक है, रख देते हैं, देखते हैं कितना आएगा, 100 स्क्वायर को 100 स्क्वायर ही रहने दो, इसको भी 100 स्क्वायर रहने दो, प्लस 2 × ये भी 100 स्क्वायर हो गया, इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 100 से ये 100 चला जाएगा, क्योंकि फाइनली 100 -100 बन जाएगा, तो आ गया 100 न्यूटन, आ गया भैया रिजल्टेंट, आ गया 100 न्यूटन, समझ आया कि नहीं आया। जब दो वेक्टर रट लो, जब दो वेक्टर 120 डिग्री पे हो, दो बराबर वेक्टर 120 डिग्री पे हो, तो रिजल्टेंट भी वही आता है 100 न्यूटन बीचों बीच, समझ आ गया। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये क्या काम आता है, बोलो, रिजल्टेंट निकालने काम आता है, बोलो, रिजल्टेंट निकालने का होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग रिजल्टेंट निकाल के बताइएगा, ठीक है, बाय यूजिंग एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1F2 कॉस थीटा फाइंड रिजल्टेंट आ गिवन फोर्सेस, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल मैं आप लिख के लिए दे रहा हूं, F1 है √3F और F2 है F, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। टू फिर मैंने F1 भी F दे दिया और F2 भी F दे दिया, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, ये भी 90 डिग्री पर है, F√2 ये भी नब्बे √2 डिग्री F पर है,
2F और √2F. इतनी तेज, वेरी गुड वेरी गुड. फिर मैंने आपको दो वेक्टर दे दिए 60 डिग्री पर, F1 भी F है, F2 भी F है, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री. चौथा हो जाएगा 60 डिग्री वाला हो गया. अब दे देता हूँ 120 डिग्री वाला. ये F है, ये F है, और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री. F2 भी F के बराबर है और F1 भी F के बराबर है, इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री. इनका रिजल्टेंट क्या होगा? उसके बाद एक जनरल क्वेश्चन दे देता हूं. ये भी F है, ये भी F है, लेकिन इनके बीच का एंगल थीटा है, 60-40 होती नहीं है, थीटा है. इसका रिजल्टेंट तुम्हें निकालना है जनरल फॉर्म में. चलो करके बताओ. हो गए सारे? हो गए? समझ आया? बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे 100-100 वाला किया था. ठीक है, फॉर्मूला लगाया, F1 को भी F रखा, F2 को भी F रखा, cos 120 minus 1 by 2 रखा, आंसर आ गया. ठीक है, अब बारी है पांचवे वाले की. पांचवे वाले की बारी है. इसको थोड़ा हमें तरीके से करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो सब तैयार हो जाओ. देखो ध्यान से, हम फॉर्मूला लगा देंगे. एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एक और एफ स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ, एफ वन इंटू एफ, एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा. ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. थोड़ा देखे ध्यान से, ये हो जाएगा टू एफ स्क्वायर देवराज, ये भी हो जाएगा टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा. तो ब्रैकेट से टू एफ स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचा वन प्लस कॉस थीटा. ठीक है, तो 2f स्क्वायर को रूट के बाहर ले जाएंगे तो रूट 2f आएगा और अंदर ऐसा दिखेगा. यहां तक ठीक है श्रुति? यहां तक ठीक है श्रुति? ठीक है देवराज, मुझे cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले बताओ. वन प्लस cos स्क्वायर. नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने. वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा. तुम देखना श्रुति, यहाँ टू थीटा था और यहाँ थीटा हो गया. ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मूले हैं. एक और फॉर्मूला बोल दो जल्दी से देवराज, एक तो बोल दो. एक फॉर्मूला तो बोल दे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इनमें से किस फॉर्मूले? अच्छा देखो, कॉस टू थीटा है तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास cos थीटा है तो, अगर मुझे cos थीटा बराबर लिखना है तो, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया. अगर मेरे पास थीटा होता तो वहां क्या हो जाता? 2 थीटा या थीटा बाई 2 हो जाता? थीटा बाई 2. ठीक है, 1 को उधर ले जाओ श्रुति. 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. याद आया देवराज? यस सर. ठीक है, अब ये याद रखो भैया, ये नहीं बताया जाएगा बार बार. ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2. तो 1 प्लस cos थीटा को श्रुति हम ये लिख सकते हैं, रट ले. 1 प्लस cos थीटा को हम ये लिख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, रट ले, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. यस सर. तो रूट टू एफ तो था ही था, अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा की जगह तुमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. तो बताओ बाहर क्या आएगा? बाहर क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा. रूट 2 रूट 2. हां, रूट 2 रूट 2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, 2f cos थीटा बाय 2. ये आ गया आपका रिजल्टेंट जनरल फॉर्म में. ठीक है, हालांकि ये इतना कठिन स्कूल में नहीं आएगा, स्कूल में इजी सवाल ही आने वाले हैं. ठीक है, समझ आया? अभी तक कोई डाउट तो नहीं बच्चों? कोई डाउट है तो पूछ लो. ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे. वेक्टर के ये सारे सवाल थे. नल वेक्टर क्या होता है, ये सब की बात अपन करेंगे आगे जाके, बट नॉट नाउ. अब हमारी बारी है कि अब हम वेक्टर डिफरेंस को सीख लें.
ठीक है, अब अगला हेडिंग डालो वेक्टर डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो वेक्टर्स सबस्ट्रैक्शन। अभी सम ऑफ टू वेक्टर्स देखा है, अब हम सबस्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे। बहुत आसान है, देखो सम ऑफ टू वेक्टर्स में तुम लोगों को यह सिखाया गया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और वो हेड टू टेल जुड़े हैं तो तीसरी साइड उनका सम देती है, राइट। मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड हमें क्या देगी? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट मतलब, रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म मतलब सम, रिजल्टेंट और सम की एक ही बात थी, राइट। रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म चाहिए तो जोड़ दो, याद है कि नहीं? अभी तक हम ये सीखते थे, ठीक है। अब तुम लोग इसमें एक नई चीज ऐड कर दो ना तो तुम्हारे पूरे काम आसान हो जाए। नई चीज क्या है? वो नई चीज ये है कि अगर मान लो बच्चों ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है, अगर मैं इसी को पलट दूं तो क्या बन जाएगा? अगर मैं इसी वेक्टर को पलट दूं तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। वेरी गुड, माइनस ए ही रहेगा, माइनस हो जाएगा बस। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? यस सर। अब देवराज देखना, मेरे पास दो वेक्टर हैं, टेल टू टेल जुड़े हैं, यह है वेक्टर ए, ठीक है, और यह है वेक्टर बी। मान ले वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, है ना, और ए का एंगल इधर है। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है श्रुति, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल बताओ। 180 माइनस थीटा। कैसे पता चला तुझे? तूने बी को पलटा दिया होगा। हाँ। बी को पलटा दे देवराज, तो ये क्या बन गया? ये क्या है देवराज? माइनस बी है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। तो इस डायग्राम से हमें ये नोट रट लेना चाहिए, ये नोट हमें रट लेना चाहिए कि इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी मस्ट बी 180 माइनस थीटा। याद रखोगे बच्चों? देख लो, ये डायग्राम और ये नोट याद रखना ही है, ठीक है। अब अभी तक हम ए और बी के रिजल्टेंट को हम कैसे लिखा करते थे उसको हम समझ लें एक बार। ये वेक्टर ए है मान लो, और ये वेक्टर बी है मान लो, और ये हेड टू टेल जुड़े हैं बच्चों, हेड टू टेल जुड़े हैं, तो ए प्लस बी कौन सी साइड देगा? ये ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी देगा ना, और अगर मुझे ए माइनस बी चाहिए तो क्या करूं? ए को पलट दूं या बी को पलट दूं? मुझे ए माइनस बी चाहिए, बी को पलट देता हूं। श्रुति देखना ध्यान से, हाँ, बी को पलट दिया, बी को पलट दिया तो मुझे क्या मिला? माइनस बी, ठीक है। तो बताओ ए और माइनस बी का एडिशन क्या होगा? 90। एडिशन ए माइनस बी। वेरी गुड, वेक्टर ए प्लस माइनस बी, तुम्हें मिलेगा ए माइनस बी। तो बताओ कौन सी साइड ए माइनस बी दिखा रही है? अगर ऊपर वाली साइड ए प्लस बी दिखा रही है, सी वाली साइड बैगनी कलर की साइड ए प्लस बी दिखा रही है, तो भैया ए माइनस बी कौन सी साइड होगी? हाइपोटेन्यूस माइनस बी और ये वाली, ये वाली होगी ना। ये पिंक वाली लाइन क्या दिखाएगी जल्दी बताओ? पिंक वाली लाइन दिखाएगी ए माइनस बी। तो बताओ ए प्लस बी और ए माइनस बी अलग अलग हुए कि नहीं हुए? इसको सी डैश मान लो। समझ गए? यस सर। समझ गए? वो डायरेक्शन में भी अलग है और मैग्नीट्यूड में भी अलग है, ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में अलग अलग होता है। बहुत अच्छे से समझ लो, रट लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक
जब भी तुम्हें ए प्लस बी या ए माइनस बी निकालना है तो किसी एक वेक्टर को पलटना पड़ता है जब भी माइनस निकालना है। अब मैं तुम लोगों को दो वेक्टर दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे निकाल के बताओगे डिफरेंस। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तुम लोग को मुझे ए माइनस बी नहीं बी माइनस ए बताना है कहाँ होगा, ठीक है। ये वेक्टर तो ए प्लस बी हो गया, ये तो ए प्लस बी हो गया। तुम लोग मुझे बताओगे बी माइनस ए कहाँ है। B को उल्टा कर देंगे और हाइपोटेन्यूस राइट साइड का हाइपोटेन्यूस। हाँ नहीं, B को उल्टा नहीं करेंगे, B माइनस A चाहिए। A को पलटेंगे, वेरी गुड, A को पलटेंगे। A को पलट दिया मैंने देवराज, सही किया देवराज, ये हो गया माइनस A। तो अब हमें ये वाली साइड A माइनस B दे देगी, ये वाली सॉरी B माइनस A, ये साइड हो गई B माइनस A। इसी ट्रायंगल में श्रुति ए माइनस बी भी दिखा देते हैं। लेट्स मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स। आर यू रेडी बच्चों, रेडी हो तुम लोग? तो ये हो गया माइनस बी, ये हो गया माइनस बी। कॉम्प्लेक्स काम करते ना यार, सब कुछ बताते हैं, मजा आएगा, थोड़ी डीप में जाते हैं क्या, सब कुछ सीखते हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो ये हो गया तुम्हारे पास ए माइनस बी। श्रुति अब तुम ध्यान से देखोगी, देवराज अब तुम ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी और b माइनस ए एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। मजा आया, समझ में आ गया पूरा पूरा, कि फिर से बताऊं एक बार देवराज, एक बार फिर से बताऊं। तुम लोग a प्लस बी के मॉड को पहले कैसे लिखते थे, तुम लोग मॉड a प्लस मॉड b को कैसे लिखते थे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यस सर, यस सर। मेरी एडवाइस मानो, एक्स्ट्रा केयरफुल रहो, इसको ऐसे लिखा करो, मेरी एडवाइस मानो, इसको ऐसे लिखा करो। दिस इज ओल्ड ओल्ड फैशन, इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे, टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, ऐसे लिखना है अपन को, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर मतलब तो वही है, हाँ मतलब वही है, लेकिन फिर भी ऐसे लिखोगे तुम, ठीक है। श्रुति देवराज एंड विच इज रॉन्ग, सो दिस इज ओल्ड, एक तो ओल्ड फंक्शन है, ऊपर से ये तरीका नहीं है लिखने का, सही तरीका है ये, समझ गए। तो करना क्या है, मॉड बना देना है बस, ठीक है। अच्छा थीटा किस किस के बीच का एंगल है श्रुति? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है श्रुति, एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो अब क्या तुमसे ये बनेगा, मॉड ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी माइनस। भाई मैं तुम लोग से बोल रहा था कि मॉड ऑफ ए माइनस बी का मॉड कैसे लिखोगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी या माइनस बी? माइनस बी, लेकिन मॉड के कारण क्या हो जाएगा, मॉड के कारण प्लस हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ माइनस बी, जो मॉड के कारण क्या, मॉड के कारण हो जाएगा प्लस। अच्छा थीटा क्या रखना है बच्चों, थीटा थीटा रखना है या 180 माइनस, क्यों क्यों भाई, क्यों भाई 180 माइनस थीटा क्यों रख रहे हो आप? क्योंकि 180 माइनस थीटा कॉस ए और माइनस बी के बीच का एंगल, तो 180 माइनस थीटा, समझ में आ। अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो a और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। अब भी बटवा, अब भी रटवाया तुम लोग को, अब भी बताया, ये देख लो इधर, ये देखो इधर लिखा तक है, पढ़ लो ये नोट। इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज थीटा देन एंगल बिटवीन a एंड माइनस b मस्ट बी 180 माइनस थीटा। एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस? चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से, हां केयरफुली, धीरे धीरे। मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको मैं लिख दूंगा a स्क्वायर, इसको मैं अब लिख दूंगा b स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा 2ab, mod of minus b will be become positive b, right? cos 180 minus theta. बस ये रहेगा आंसर। अच्छा अगर तुम लोग चाहो, मतलब जरूरी नहीं है, अगर तुम लोग चाहो, इट्स नॉट कंपल्सरी, आई एम सेइंग यू अगेन, आप इसको ऐसा लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो, लिख दे क्या देवराज, ऐसे लिख दे cos 180 minus theta को minus cos theta लिख दे श्रुति? Yes, sir. चलो लिख देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे इसको एस्केप कर देते हैं,
कि यहाँ पे माइनस का कारण कौन है। उनको लगता है कि 2ab के सामने जो माइनस आया है वो इसलिए आया क्योंकि b माइनस है, जबकि सही कारण क्या है श्रुति? 2ab के सामने माइनस आने का सही कारण b के सामने माइनस होना या वरे? हाँ वेरी गुड। सो दिस अभी हमें पहला रिजल्ट मिला है, दिस इज कॉल्ड, ये हमें पहला रिजल्ट मिला किसके लिए? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब इसकी एप्लीकेशन देखें, लिखो अगला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मैंने जब जानबूझ के भी अपने लेक्चर्स यूट्यूब में डाल रहा हूँ कि भैया पता होना चाहिए कि पाठशाला का स्तर क्या है ना। मैं ऐसा बोलता हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसा मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे ढोंगी बाबा लोग हैं इधर पे फिजिक्स के अंदर जो अपने आप को बेस्ट टीचर बोलते फिजिक्स का, लेकिन सच ये है कि वो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे होते हैं। एक किताब रट ली है वही पढ़ा रहे होते हैं। मैं तुम लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगा और तुम लोग से इतनी मेहनत करवाऊंगा, तुम लोग हर मैक्सिमम बुक्स को कर पाओ बहुत आसानी से। चलो अब इसका पहला क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। अ ट्रक ट्रैवलिंग A truck traveling due north at 20 meter per second, 20 meter per second से north की तरफ जा रहा है एक truck, ठीक है? Turns east की तरफ मुड़ गया and travels at same speed, ठीक है? What is change in velocity? What is change in velocity? Of truck. बताओ. What is change in velocity of truck? Option A है 40 meter northeast. Option B है बच्चों 22 meter per second southeast. ऑप्शन सी है 20√2 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट, और ऑप्शन डी है 20√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट। ये ऑप्शन है तो ना मेरी एडवाइस मानो, तुम लोग ना प्रॉपर एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना लो, ठीक है? देखो इन क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल करते हैं। सी है आंसर। श्रुति कह रही है सी। देराज तेरा क्या लॉक करना है? साउथ वेस्ट वाला 20 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ नहीं, देवराज कौन सा ले रहा है? ये श्रुति तूने थर्ड सेलेक्ट किया? यस सर, साउथ वेस्ट। ओके, दोनों बच्चे साउथ वेस्ट बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी आंसर नहीं लगाने वाला, मैं तो अभी ट्रक वर्क बनाऊंगा। तो ट्रक कहाँ जा रहा था पहले? अ ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ। अच्छा पहले वो नॉर्थ जा रहा था, मतलब उसकी जो v1 वेलोसिटी है वो नॉर्थ की तरफ थी, ठीक है बच्चों? उसकी जो v1 वेलोसिटी है वो नॉर्थ की तरफ थी। अब कहाँ मुड़ गया वो? ईस्ट, तो उसकी वेलोसिटी बदल गई। आवाज आ रही है स्मृति? यस सर। मैंने ये दोनों वेक्टर सही बनाए हैं, v1 और v2 सही बनाए हैं। पहले नॉर्थ जा रहा था, अब ईस्ट मुड़ गया, अब उनको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो देवराज उनको v1 माइनस v2 चाहिए या v2 माइनस v1 चाहिए? बोलो क्या चाहिए? v2 माइनस v1 उनको चाहिए, v2 माइनस v1। तो देखना मैं किसको पलटू, v2 को पलटू या v1 को पलटू?
v2 माइनस v1 चाहिए देवराज, तो इसलिए v1 को पलट दिया, तो ये आ गया माइनस v1। अब बताओ v2 माइनस v1 कौन सी साइड देगी, ये वाली साइड क्या देगी देवराज, माइनस v1 और v2 का सम, इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या देती है, बाकी दो साइड्स का सम, राइट। तो ये क्या हो जाएगा श्रुति, v2 प्लस ऑफ माइनस v1, मतलब तेको मिल गया श्रुति ये v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 का एरो कहाँ जा रहा है, ध्यान से देख, एरो किस तरफ जा रहा है इसका, इसका एरो जा रहा है साउथ ईस्ट, इधर जा रहा है, तो तुम्हारा आंसर हो गया साउथ ईस्ट बी, तुम दोनों गलत हो गए, समझ आई बात, आईआईटी का क्वेश्चन था ये, ऐसे नहीं आया आईआईटी में, फिर से बताऊं एक बार, नो सर सर आगे, समझ गया ना, गलती समझ में आई कि नहीं आई, तो दिस इज आईआईटी एडवांस प्रॉब्लम ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। तो भाई अब पहले ही आप देखना, मैं और आसान तरीके से बता देता हूँ कि आपका जो ट्रक था पहले नॉर्थ जा रहा था, तो आप ना V1 को, आप V1 को 20 मीटर पर सेकंड से ज्यादा 20 जे कैप बोल दो, फिर वो ईस्ट मुड़ गया, मतलब इधर मुड़ गया, तो V2 को क्या बोल देगी श्रुति, 20 आई बोल देगी, ठीक है। तो बता चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इससे भी आसान तरीका देखो, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, V2 माइनस V1, तो V2 हो गया 20 आई कैप और V1 हो गया माइनस 20 जे कैप, समझ गई देवराज, ये समझ आया, ये वाला मेथड, मैंने आई और जे ले लिया, नॉर्थ की तरफ जे ले लिया, ईस्ट की तरफ आई ले लिया, ठीक है देवराज, और डायरेक्ट V2 माइनस V1 निकाल दो। अब तुम ही बताओ, ये हो गया V2 माइनस V1, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, बोलो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, बोलो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, याद है, याद है कि नहीं याद है, yes. ये हो जाएगा 400 प्लस 400, 400 400 हो गया 800, 800 हो जाएगा बच्चों 20√2, सही है, 20√2 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन कैसे आया आई और जी की मदद से, अरे बहुत आसानी से आया, देखो डायरेक्शन तो बहुत आसानी से आया, माइनस आई माइनस जे है ना, माइनस आई माइनस जे, तो एक काम करो देखो, ईस्ट मतलब प्लस आई, ईस्ट मतलब आई कैप, नॉर्थ मतलब जे कैप, ठीक है, वेस्ट मतलब माइनस आई कैप, साउथ मतलब माइनस जे कैप, तो बताओ आई का प्लस और जे का माइनस कहाँ मिलेगा, साउथ ईस्ट में मिलेगा, साउथ ईस्ट क्या होता है आई माइनस जे बाय रूट टू, समझ गए देवराज, साउथ ईस्ट क्यों आया, अगले सवाल के लिए तैयार, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, साउथ वेस्ट नहीं साउथ ईस्ट आया ना, देखना आई प्लस आई माइनस जे, साउथ वेस्ट तो तब आएगा जब आई भी माइनस हो और जे भी माइनस हो, ठीक है। अब तुम लोग ये बात ध्यान रखो भैया, हाँ ये बात रट लो, ईस्ट मतलब आई कैप, नॉर्थ मतलब जे कैप, वेस्ट मतलब माइनस आई कैप, साउथ मतलब माइनस जे कैप, ठीक है, इसका मतलब ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, आई प्लस जे देता है, आई प्लस जे बाय रूट टू देता है तुम्हें क्या, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो बताओ साउथ ईस्ट क्या देगा, साउथ ईस्ट क्या होना चाहिए बताओ, आई माइनस जे बाय रूट आई माइनस जे बाय साउथ ईस्ट, आई के सामने प्लस और जे के सामने माइनस, साउथ ईस्ट दे देगा तुम्हें, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट क्या देगा तुम लोग को, माइनस आई जे माइनस आई, ठीक है, और बच्चों साउथ वेस्ट माइनस आई माइनस जे बाय रूट टू, समझ गए। अब तुम्हारे आंसर में क्या आ रहा था, तुम्हारे आंसर में जे के सामने माइनस आ रहा था और आई के सामने प्लस आ रहा था, तो बचाओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा, साउथ ईस्ट मिलेगा, समझ गया। ऐसे धीरे धीरे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते चले जाएंगे, कोई डाउट तो नहीं, ओके ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ,
लिखो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आएगा चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। ठीक है, क्लास का टाइम कब तक था? 6 मिनट और बचे ना, तो अब ये अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब तक तुम लोग क्या सीख के आओगे? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके आओगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोग को मेरी आज की क्लास समझ आई। अगर कोई